उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव नारायणपुर वॉस्का में माननीय सांसद डॉक्टर जनरल वीके सिंह ने खेल का मैदान का उद्घाटन किया, फीता काट कर किया। नारायणपुर वॉस्का के ग्राम प्रधान नसीमुद्दीन मेवाती जब से गांव में प्रधान बने हैं तब से गांव के विकास कार्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पिछले एक साल से ग्राम प्रधान इस खेल का मैदान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। लोगों ने कहा कि दीपक ठेकेदार मिल्क ने बहुत अच्छा से खेल का मैदान का काम कराया है। मौके पर मौजूद माननीय सांसद डॉक्टर जनरल वीके सिंह, माननीय ब्लॉक प्रमुख धौलाना निशांत सिसोदिया, ग्राम प्रधान नसीमुद्दीन मेवाती, ग्राम सचिव ओमवीर सिंह, एडीओ पंचायत धौलाना अलीमुद्दीन, बीडीओ अभिमन्यु सेठ धौलाना, डीपीओ वीरेंद्र सिंह हापुड़, मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह हापुड़, भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश राणा, वरिष्ठ भाजपा नेता अजीत तोमर मौजूद रहे। विधानसभा के गांव नारायणपुर बासका में आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले जनरल वीके सिंह साहब आए थे यहां पे नारायणपुर बासका में। यहां पे उद्घाटन किया गया गांव का जो बहुत बड़ा स्टेडियम है, और पिछले कई दिनों से स्टेडियम का काम चल रहा था। अभी कुछ देर पहले जनरल वीके सिंह साहब सांसद जी उन्होंने उद्घाटन करवाया, और इन्होंने कहा कि बहुत हर जगह जगह स्टेडियम बनेगा हर गांव में, और देखा जाए कब तक हर गांव में स्टेडियम बन के आता है। हमारे साथ बने रही बात कर रहे हैं माननीय सांसद हापुड़ गाजियाबाद और मंत्री केंद्र सरकार डॉक्टर जनरल वीके सिंह सर, मंचासीन जिलाध्यक्ष भाजपा उमेश राणा जी, मंचासीन ब्लॉक प्रमुख साहब निशांत सिसोदिया जी, बीडीओ धौलाना अभिमन्यु सेठ, एसडीएम धौलाना दिग्विजय सिंह, सांसद जी के प्रतिनिधि कुलदीप चौहान जी, मंचा सिंह, समस्त अतिथिगण, यहाँ के प्रधान सचिव, यहाँ पर आए आप सभी समस्त ग्रामीण वासी और पत्रकार बंधु, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज नारायणपुर बासका में आप पहुँचे, आपने अपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय निकाला और सभी ग्रामीण वासियों के बीच में आके आज आपने 400 मीटर की खेल प्रतियोगिता को हरी झंडी। नारायणपुर बासका गांव में हमारे गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री, हम सब के अभिभावक आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, हम सब के लिए बीच में मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, जोरदार तालियों से जनरल साहब का स्वागत किया जाए गाँव में। हमारे साथ हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई उमेश राणा जी, इस जिले की सीडीओ महोदया प्रेरणा सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई नरेश जी, मंडल अध्यक्ष सोनू जी, राजू त्यागी जी, हमारे पूर्व में प्रधानाचार्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाई अजीत जी, मंच पे पीछे बैठे हुए मेरे सभी प्रधानगण, प्रधान संगठन के अध्यक्ष भाई अरविंद जी, सचिन जी, भाई मनोज जी, हमारे उपेंद्र प्रधान जी, नरेंद्र प्रधान जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी इस गांव के आसपास के गांव के सभी सम्मानित साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय जनरल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी विकास को लेकर जो भी इस क्षेत्र में काम चल रहे हैं, जब भी उनसे समय मांगा जाता है आप हमें समय देते हैं, आप आते बीच में हमारे साथ आए हमारे जिले के पार्टी के अध्यक्ष उमेश राणा जी, हमारी मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह जी, यहाँ पर बैठे पार्टी के अन्य नेता हमारे नरेश तोमर जी, अजीत तोमर जी, सोनू सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के अंदर जो आए हैं नरेंद्र जी, सभी अन्य पार्टी के नेतागण जो यहाँ पर बैठे हैं, प्रधान संघ के श्री अरविंद सिंह जी, यहाँ से प्रधान नसीमुद्दीन जी, श्री संजय जी, ताज जी, नज़र मोहम्मद जी, जाफरू जी और अन्य सभी प्रधान जो यहाँ पर आए हैं, सभी अधिकारीगण जो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ग्रामवासी जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आपको एक खेल का मैदान मिला। प्रधान जी, जैसे आज आपका नारायणपुर बासका में आपका खेल का मैदान उद्घाटन हुआ, जनरल साहब भी आए थे, सीडीओ मैडम भी आए थे, ब्लॉक प्रमुख भी और बीडीओ साहब भी, क्या कहेंगे इसके बारे में? खेल का मैदान बच्चों के लिए बनवाया जी, तो
कबड्डी खेलने के लिए, वॉलीबॉल के लिए, बहुत दिन से सबसे कोई दिक्कत थी बहुत। मतलब ग्राउंड की समझाना चाहेंगे ओमवीर सिंह। ओमवीर सर जी, जैसे आज खेल का मैदान उद्घाटन हुआ नारायणपुर बासका में, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बढ़िया कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा खेल मैदान बनाया हमने सभी लोगों के सहयोग से, ग्रामवासियों की, इसमें ग्राम प्रधान जी की बहुत अच्छी भूमिका रही है और काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है। कहा जाता है कि ठेकेदार का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत, बहुत अच्छा रोल रहा है इसमें, बहुत काफ़ी मेहनत करी है और हमारी पूरी टीम ने, ब्लॉक की टीम ने मेहनत करी है इसमें। तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि अब जो हमने बना के दे दिया है इसे आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि ये आगामी समय तक बहुत लंबे समय तक बना रहे और इसकी केयर करेंगे। जी हरिओम भाई, आज जो खेल का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं इसके लिए कहूँगा कि हमारे धौलाना ब्लॉक में खेल को तो जानते ही नहीं हैं जी, लेकिन अब जानेंगे। लेकिन मैं इस खेल में 2007 से इस लाइन में हूँ, खेल स्पोर्ट में। आज जैसे ही ग्राउंड बना है नारायणपुर बासका में, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, क्योंकि अभी तक ब्लॉक में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं बना जो इस गाँव में बना है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लॉक स्तर प्रतियोगिता होती है हर वर्ष 2007 से, और आज तक मैं उसमें लगा हुआ हूँ। युवा कल्याण विभाग उस गेम को कराती है, तो उसमें इवेंट होते हैं 100 मीटर दे, मतलब रेस टोटल गेम होते हैं और वो निशुल्क होते हैं, और उनको मैं ही कराता हूँ जिला स्तर तक, मंडल स्तर तक और स्टेट लेवल तक मैं ही लेके जाता हूँ। लेकिन हमारे धौलाना ब्लॉक में ना ही कबड्डी की टीम है, ना वॉलीबॉल की टीम है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, पूरे ब्लॉक के अंदर कोई भी अच्छा खिलाड़ी नहीं। जो खिलाड़ी हैं 8-10 खिलाड़ी हैं पूरे, मेरा जो कंपटीशन रहता है हमारे धौलाना ब्लॉक का, ये तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति ये है कि कृपया इस ग्राउंड को बहुत, मैं क्योंकि देखो मेरा गांव यहां से दूर पड़ता है, इसलिए मैं अपने बच्चों को यहां पर नहीं ला सकता, लेकिन जो भी इसका युवक मंगल दल का अध्यक्ष है वो मुझसे संपर्क कर ले कि किस तरीके से बच्चों को आगे ले जाए